अगर इंटर फर्स्ट ईयर के तलबा के नतायज पर कोई वाज़ह बयान नहीं आया तो हम 28 तारीख को बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट पर हमला करेंगे। उन बातों का इजहार जग्गा रेड्डी पीसीसी के वर्किंग सदर ने किया। देखिए जग्गा रेड्डी का मजीद क्या कहना है। कल वो 2,30,000 बच्चे जो एग्जाम्स में फेल हो गए, वो लोगों को, वो बच्चों को पास मार्क्स डाल के पास करना बोल के एक 10 दिन से कांग्रेस पार्टी एंड स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन NISY 10 दिन से ये लोग बच्चों के तरफ से लड़ रहे हैं। मैं वेंकट कल जाके 3 घंटे वहाँ बोर्ड ऑफ इंटर करने बैठे भी, फिर भी 10 दिन से कोई गवर्नमेंट का कोई आवाज़ भी बाहर नहीं आ रहा। आज हम 2-3 दिन देखेंगे, इसलिए मंगलवार को 28 को ये 2,30,000 स्टूडेंट्स को पास करना, इसके अंदर नहीं करे तो मंगल के दिन, नेक्स्ट वीक मंगल के दिन 28 को 11 बजे 10,000 स्टूडेंट्स से हम वो बोर्ड ऑफ इंटर के सामने जाके हम बैठेंगे। अभी यहाँ से सीरियस से काम करेंगे। कहीं बोल तो डेली एक बच्चा मर जा रहे सुसाइड कर लेके जो फेल हो गए, मगर इतना बड़ा लोग बच्चे फेल हो गए, अभी इतना भी दर्द नहीं है गवर्नमेंट को। भाई ये कोरोना के तरफ से बच्चे नहीं पढ़ सके, इससे पहले पास करे, अभी सेकंड ईयर में आते हुए फेल करे पूरे, वो बहुत गलती हो जा रहा बच्चों का। अभी देखो पास नहीं करे तो बच्चों का आवारा बन जाएंगे, रोडों पर फिरेंगे, वो लोगों को पढ़ने का भी माइंड चला जाता, वो लोगों को पढ़ना भी दिल भी नहीं रहता, ऐसा प्रॉब्लम्स आता। इसलिए CM साहब को हमारा ये दरख्वास्त है, फौरन आप बच्चों को बचाने के लिए, स्टूडेंट्स को बचाने के लिए आप फौरन आप जो पास करने का है 2,30,000 बच्चों को, वो लोगों को पास कर दीजिए, आपका अच्छा नाम आएगा। आपसे दरख्वास्त ये है कि वो लोगों को पास करो। अगर ये 2-3 दिन में कोई रिजल्ट कंसल मिनिस्टर CM साहब से नहीं आए तो हम बच्चों को तरफ से हम जंग लड़ते रहेंगे। कोई बच्चे भी सुसाइड करने का कोशिश मत करो, बच्चों के साथ कांग्रेस पार्टी रहेगा। हम नेक्स्ट मंगल को 28 को इसके अंदर कोई गवर्नमेंट की तरफ से कोई अनाउंसमेंट नहीं आए तो मंगल के दिन 10,000 स्टूडेंट्स हम बोर्ड ऑफ इंडिया के सामने बैठेंगे।